बलरामपुर जिले के डिंडो चौकी प्रभारी को सूचना मिली कि पशुओं को भूचल खाने ले जाया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 22 नग गाय बैल भूचल खाना झारखंड गढ़वा की ओर ले जाते वीरेंद्र नगर निवासी नाडोल उर्फ अब्दुल हसीम अपने सहयोगियों साथियों के साथ जंगल के रास्ते पीटते क्रूरतापूर्वक गाय बैलों को दौड़ते ले जा रहा है। मौके पर से आरोपी डेमन कोडाकू को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपी जंगल एवं रात्रि का फायदा उठाते हुए मौके से फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी पुलिस कर रही है। सर, आपके द्वारा यहाँ पे मवेशी जब्त किए गए हैं, इसकी जानकारी जी। श्रीमान आईजीपी महोदय सरगुजा, श्री रतनलाल डांगी भापुर से, एवं श्रीमान एसपी महोदय बलरामपुर श्री रामकृष्ण साहू साहब भापुर से के आदेश पर अवैध कार्यवाही पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के आदेश प्राप्त होने पर श्रीमान एडिशनल एसपी महोदय श्री प्रशांत कतलम साहब बलरामपुर के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 31/10/20 को मुखबिर की सूचना मिला कि वीरेंद्र नगर निवासी ननकोल उर्फ हसीम मुसलमान अपने साथियों के साथ गाय बैल को मारते पीटते दौड़ाते क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते बूचड़खाना झारखंड गढ़वा जंगल के रास्ता से ले जा रहा है कि हमराज स्टाफ और गवान की घेराबंदी किया गया, जो बेलसर गांव के जंगल रास्ता में 22 नग गाय बैल को बूचड़खाना ले जाते मौका पर जब्त कर धारा 4/6/10 पशु परीक्षण अधिनियम एवं 11(1)(घ) पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आरोपी टेमना को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, इसमें अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी वर्तमान में मौका पे एक ही आरोपी मिला है और जंगल और रात का फायदा उठाकर और आरोपी फरार हो गए हैं, जिनका सरगर्मी से जांच जारी है, तलाश जारी है। चलिए, आपने हमसे बात की सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। बलरामपुर से आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।